नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है मैप एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम है जय। आज हम रिव्यू करेंगे यार जिम्स रोहिणी के बारे में। यस, अगर आप दिल्ली में सोच रहे हो कि यहाँ पे पीजीएम करना है, दिल्ली में रहते हुए मैनेजमेंट का कोर्स करना है, तो इसमें से एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिम्स रोहिणी। लेकिन बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है जो आपको जानना चाहिए। प्लेसमेंट का रियलिटी क्या है, यहाँ पे पढ़ाई को लेकर एनवायरनमेंट कैसा है, फैकल्टीज कैसे हैं, तो सारी चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं जिम्स रोहिणी के बारे में कि ये आपके लिए अच्छा कॉलेज होगा या नहीं होगा। तो जो भी मैं बातें डिस्कस करूंगा वो आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू के साथ, और साथ में जो भी क्वेश्चन होगा इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारी मैं आपसे बात करते जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इनका एस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ था और अप्रूवल इनको AICTE के थ्रू मिल चुका है। ऑब्वियसली प्राइवेट है और NIF रैंकिंग इनको 82 मिला हुआ है, मतलब टॉप 100 में आता है ऑल ओवर इंडिया में। और अब मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो दिल्ली एयरपोर्ट 23.3 किलोमीटर दूर है, वहाँ सबको कैब और बस दोनों मिल जाएगा। और रेलवे स्टेशन दिल्ली का 21.5 किलोमीटर दूर है। फीस का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पीजीएम का फीस 8.70 लाख पड़ेगा। यहाँ पे जो आपको हॉस्टल फी पड़ेगा वो है 1.35 से लेकर 1.75 लाख तक, और 5000 रिफंडेबल है सिक्योरिटी डिपॉजिट हॉस्टल के लिए, जो कि नॉर्मल है, सारे कॉलेजेस में ही होता है लगभग में। स्कॉलरशिप का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैट स्कोर अगर 80% से ज़्यादा है और मिनिमम 70% है तो आपको 50,000 तक यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकता है, बट इतना होना चाहिए। और मुझे लगता है 80% अगर किसी का है तो और अच्छा कॉलेज मिल सकता है आपको। और मोड्स ऑफ एडमिशन ऑब्वियसली कैट मैट जी मैट ये सारे एक्सेप्ट करते हैं, प्लस इनका ग्रुप डिस्कशन होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट में यहाँ पे दो तरीके से बात करूँगा। पहला तो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में क्या है वो मैं बताऊँगा आपको, प्लस स्टूडेंट्स ने हमें क्या बताया कि एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे कितना तक लग जाता है रियलिटी में, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हो वेबसाइट में लगभग 7.60 LPA है एवरेज प्लेसमेंट, और हाईएस्ट 21 LPA है। नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 300 प्लस आ चुका है यहाँ पे। और एज पर कॉलेज स्टूडेंट और हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑब्वियसली इग्नोर ही करो, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। और एवरेज यहाँ पे जो लग जाता है स्टूडेंट्स के हिसाब से 6 से लेकर 7 LPA तक लग जाता है, जो ठीक ठाक आप कह सकते हो। फैकल्टीज का अगर मैं बताऊं तो फैकल्टीज आपको यहाँ पे बहुत ही क्वालिफाइड देखने को मिलेंगे। लगभग में सारे फैकल्टीज आपको PhD होल्डर्स देखने को मिलेंगे, जिनके पास काफी डीप नॉलेज होता है, कॉन्सेप्ट्स होता है उनके सब्जेक्ट्स को लेकर। और कई सारे फैकल्टीज तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास खुद का कंपनी भी था, मतलब खुद स्टार्टअप फाउंडर्स थे, तो अमेजिंग है। मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते में जाना चाहते हो। अब हॉस्टल के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि क्या प्रोज है, बेस्ट थिंग क्या है जिम्स रोहिणी के बारे में। तो जैसे कि आप पहला पॉइंट देख सकते हो, कॉलेज जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको एक्सपोजर मिल पाए पढ़ाई के साथ साथ में। और कॉलेज आपको काफी ज्यादा रिलेवेंट कोर्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज डे बाय डे चेंज होती है, तो अपडेटेड होना कोर्स करिकुलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और टीचर्स काफी ज्यादा हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को। एलुमनाई नेटवर्क आपको बहुत ही स्ट्रांग देखने को यहाँ पे मिल जाता है, काफी हेल्प मिलेगी आपको उस चीज को लेकर। और हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, और कई सारे स्टूडेंट्स खुद से ही स्टार्टअप बनाए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मैंने पहले जैसे बोला, आपको बहुत ज़्यादा एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट मिलेगा स्टार्टअप्स को लेकर। और हर साल कॉलेज जो है फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल पार्टी करती है, जो कि लगभग सारे कॉलेजेस ही कराती है। और जैसे कि मैंने बताया, कई सारे इवेंट्स, फेस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते रहते हैं। तो ये था बेस्ट चीज़ें कुछ जिस रोहिणी के बारे में। और इसके बाद हम बात करेंगे वर्स्ट। उससे पहले आप देख लो कि हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में, अब देख लेना डाइनिंग फैसिलिटीज़ भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है। अब बात करते हैं वर्स्ट थिंग क्या है जिम्स रोहिणी के बारे में। पहला पॉइंट जो हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि जो टॉप फैकल्टीज हैं वो आपको तो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे, हेल्पफुल मिलेंगे, लेकिन उसके नीचे के जो फैकल्टीज हैं वो थोड़ा सा आपको उतना बढ़िया नहीं देखने को मिलता है। कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे, तो मैनेजमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और जिम के लिए भी बहुत ही कम जगह है। और जो लास्ट पॉइंट है वोस्ट, जो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ही जो है अपॉर्चुनिटी मिलता है रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करने का, जो मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को करना चाहिए और उनको बताना चाहिए करने के लिए और हेल्प करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर से करेंगे तब जाके सेकेंड ईयर में होते होते वो अपने सब्जेक्ट पे थीसिस भी लिख सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट जो रिसर्च वो करना चाहते हैं उस पर वो कंप्लीट करके दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि
पूरी तरह से उनको अलग लेवल का एक्सपोजर मिलेगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये तो जिम्स रोहिणी के बाद चल रहा है जो फाइनल ईयर में ये सारी चीजें करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे रिसर्च पेपर के नाम पे कुछ नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पीजी कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो जिस भी कॉलेज में जाना रिसर्च पेपर आपका होना ही चाहिए। तो ये था वर्स्ट थिंग अबाउट जिम्स रोहिणी। एक क्वेश्चन है कि एमबीए दिल्ली से करना चाहिए कि नहीं चाहिए या फिर पीजीडीएम, तो मैं लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले देख लो स्पेशलाइजेशन कौन कौन से यहाँ पे कराया जाता है। देखो फाइनेंस है, मार्केटिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, बिजनेस एनालिटिक्स है और सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग है। तो ये सारे स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस वक्त फैसिलिटीज देखो मैराथन, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, चेस, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कुछ इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं जो यहाँ पे कराते रहते हैं, जैसे कोका कोला हैप्पीनेस फैक्ट्री या कुल्ट कंपनी हो गया, अमूल हो गया, ये सारे आपको कंपनीज में इंडस्ट्रियल विजिट करने का मौका मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कराते हैं। और कुछ यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है जो मैं इजिली बता देता हूँ आपको। कई सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि यहाँ का जीडी और पीआई करेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, तो मैं एक बात बता दूँ, नहीं है। यस, लिटरली नहीं है, आप इजीली करेक्ट कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल एक रिव्यू जिम्स रोहिणी के बारे में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन रह जाता है इस इंस्टीट्यूट को लेकर या फिर किसी इंस्टीट्यूट को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर आप जानना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ कॉन्टेक्ट करो एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। प्लस एक बार मैं बता दूं, अगर आप सीरियस हो जानने के लिए तभी जाके मैसेज करना यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही ईजी होता है, जो आपको अवेलेबल कहीं पर भी मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन कि दिल्ली से एमबीए या पीजीडीएम करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे ही दिल्ली में कम इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे मैनेजमेंट कराया जाता है, लेकिन उन कम में भी बहुत ही कम है जो बहुत ही टॉप टॉप में आता है। और कई सारे ऐसे टॉप में आता है मैनेजमेंट में जहाँ पे एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जिम्स रोहिणी में थोड़ा सा इजी है एडमिशन लेना। तो घूम के मैं आता हूँ उसी क्वेश्चन पे कि करना सही रहेगा नहीं रहेगा दिल्ली से एमबीए पीजीडीएम। तो यार देखो, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको लगता है कि दिल्ली से रह के मुझे करना चाहिए तो आप कर सकते हो। अगर दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप दिल्ली में ही रहना चाहते हो तो भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोएडा देखो या फिर गुड़गांव देखो या फिर साउथ देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो अगर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन आपको दिल्ली में मिलता है तो आप वहाँ से एमबीए पीजीडीएम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं रिसर्च वगैरह को लेकर, ये सब चीज़ें करते रहें। ओके, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च पेपर को लेकर भी कई सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।